यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरे गोचरम एवं जरा च मच्छु च आयुम पाचेन्ति पाणिनम। जैसे गोपाल ग्वाला डंडों से हाँक कर गायों को गोचर चरागाह में ले जाता है, वैसे ही जरा अर्थात बुढ़ापा जर्जरता और मृत प्राणियों की आयु को खदेड़ कर ले जाते हैं। गांवों में सहज देखा जा सकता है, ग्वाला घर घर से गायों को निकालता है और डंडे के सहारे डंडे के बल पर हाँक कर सभी गायों को चरागाह में ले जाता है, वहाँ चराता है। इसी प्रकार जरा जर्जरता बुढ़ापा और मच मृत्यु प्राणियों की आयु को हाँक कर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ मनुष्यों का अपना कुछ भी नहीं होता है। बुढ़ापा तो आना है, बुढ़ापा जब आया तब अपने ही घर और परिवार पर अपना अधिकार नहीं रह जाता है। जिस घर को आदमी बड़े शौक से बनाता है और कहता है कि यह मेरा घर है, अपने बुढ़ापा में उसी घर में वह एक कोने में उपेक्षित पड़ा रहता है। जिस पर उसका पूरा अधिकार था, अब किसी पर अधिकार नहीं रह गया। अब बाल बच्चे अधिकार कर लिए, मृत्यु आई तो मृत्यु प्राणियों को ऐसी जगह ले जाती है जहां उनका अपना कुछ भी नहीं होता है। शरीर छूट गया, कर्म संस्कारवश जीव ने फिर शरीर धारण किया, वहाँ उनका क्या था? अब कुछ नहीं है, पहले का सब कुछ छूट गया, अब आगे क्या मिलेगा, कोई क्या भरोसा है? तो रोज रोज आयु घटती जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है और मृत्यु सामने आ रही है, और अपने माने गए ऐश्वर्य और अधिकार पर से आदमी का अधिकार छूटता चला जा रहा है। और जब मृत्यु आ जाएगी तो उसका अपना माना हुआ सब कुछ सदा काल के लिए उससे छूट जाएगा। इसलिए पहले से सावधान होकर सबके मोह को स्वयं ही पहले से त्याग दे। सबसे निर्मोह हो जाए, सबका राग
त्याग कर अनासक्त और निष्काम हो जाए। फिर शरीर में जो बुढ़ापा आना है वो आएगा, मृत्यु आनी आएगी, तब कोई दुख नहीं होगा। और बुढ़ापा आने के पहले या मृत्यु के पहले राग मोह कामना का त्याग नहीं किया गया, और जब अधिकार छूटेगा या सब कुछ का वियोग होगा तब उस समय बड़ी वेदना होगी, क्योंकि मन फंसा रहेगा प्राणी और पदार्थों में, ईश्वरियों में। जितना जितना हमारा मन फंसा रहता है प्राणी और पदार्थों में, उनके वियोग में उतना उतना अधिक ही दुख होता है। कहीं मोह नहीं है तो कहीं दुख नहीं है, काम करें सेवा करें और निष्काम रहें, बस दुख खत्म। अथ पापानि कम्मानि कर्म बालो न बुझ्यति से ही कम्मे ही दुम्मेधो अग्नि डठो व तपति। बाल बुद्धि का आदमी अर्थात मूर्ख आदमी पाप कर्म करते समय उससे जो दुख आने वाला है, भयंकर परिणाम आने वाला है, उसको समझता नहीं है। परंतु जब वह दुमेधो दुर्बुद्धि अपने उनके किए हुए कर्मों का परिणाम सामने आता है, तब दुख से उसी प्रकार जलता है जैसे आग से जलने पर शरीर तपता है। पाप कर्म करते समय तो आदमी को बड़ा हौसला रहता है कि ऐसा मुझे धन मिलेगा, ऐसा मुझे सुख मिलेगा, ऐसा अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा। बड़ा आकर्षण रहता है, तात्कालिक लाभ को वह देखता है, लेकिन पाप का भयंकर परिणाम जो सामने आना है उसे देख नहीं पाता। मूर्ख बुद्धि का आदमी पाप कर्मों के फल में जो दुख और भयंकर ताप है उसको समझता नहीं है। या मूर्ख का अर्थ अनपढ़ नहीं है। मूर्ख वह है जो अपने कर्म के परिणाम को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अपने हानि और लाभ को समझ नहीं पाता, बस मन के जोश में करता चला जाता है, उसी को ही दुर्बुद्धि कहा है। मूर्खता का अर्थ क्या है? जा दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि है तो मूर्खता है, मूर्खता है तो दुर्बुद्धि है। बुद्धि कम है कि ज्यादा है ये कोई खास बात नहीं है, खास बात है कि बुद्धि कैसी है, दुर्बुद्धि है कि सुबुद्धि है। दुर्बुद्धि है तो सब कुछ का दुरुपयोग होगा, सुबुद्धि है तो सब कुछ का सदुपयोग होगा। इस गाथा में तो कहा गया है कि पाप कर्म करते समय मूर्ख बुद्धि का आदमी अपने उन पाप कर्मों के फल में जो भयंकर परिणाम आना है
उसे देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। लेकिन जब उन पाप कर्मों का परिणाम सामने आता है और उन्हें भोगना पड़ता है, तब उस दुर्बुद्धि का मन वैसे जलता है, वैसे रात दिन तपता रहता है जैसे आग से जल जाने पर शरीर तपता है। शरीर का कोई अंग आग में जल गया तो कई दिन तक वह अंग तपता रहता है, दुखता रहता है। लेकिन आग से शरीर के जल जाने पर दो दिन, चार दिन, आठ दिन, पंद्रह बीस दिन में शरीर ठीक हो जाता है, जलन समाप्त तो हो गई। लेकिन पाप कर्म जो कर लिया उसके परिणाम में तो मन जिंदगी भर तपता रहेगा। कहीं चला जाए उसे शीतलता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। पापकर्मी आदमी को सदैव जीवन पर्यंत जलना ही पड़ेगा। यो दंडेन अदंडेश अपडुटेश दुस्सति दसन्न मन्नतरम ठानम क्षिपमेव निगच्छति। जो आदमी निरपराध को दंडित करता है, पीड़ा देता है, और निर्दोष आदमी पर दोष लगाता है, वह दस स्थानों में से एक स्थान को शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो एकदम निरपराध है और बिल्कुल निर्दोष, उसको पीड़ा देता है, उसको सताता है और उस पर मिथ्या दोषारोपण करता है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये गलत काम किया, इन्होंने ये गलत काम किया, तो उसको दस प्रकार से हानि उठानी पड़ेगी। दस जगह वो जाएगा, वहाँ से कष्ट उठाएगा। वो दस जगह कौन कौन है आगे की गाथाओं में, तीन गाथा में उसका वर्णन है। वेदनम फर्शम जानिम शरीरस्य च भेदनम गर्कम वापी आबाद चित्तक खेयम च पापुने राजतो वा उपसग्गम अबखानम व दारुणम परिखयम व नातिनम भोगानम व पभंगुरम अथवस्य आगाराणि अग्नि डहति पावको कायस्य भेदा दुपन्नो निर्यम सोपपज्जति। वह जो दुर्बुद्धि आदमी है उसे दस जगह पहुंचना होता है और शीघ्र ही पहुंच जाता है, कोई ना कोई इसमें जल्दी मिल जाता हो। पहला क्या है, वेदनम फरुषम, कठोर वेदना, भयंकर पीड़ा वह पाता है। जो निर्दोष है और निरपराध है उस पर दोष लगाता है, उसे पीड़ा देता है, उसे जल्दी ही शीघ्र ही स्वयं भयंकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। मानसिक ताप से वह जलता रहता है। जानिम हानि, किसी न किसी प्रकार से उसकी हानि होती है। शरीरस्य भेदनम, उसके अपने शरीर के अंगों का कट पिट जाना होता है। गरुकम आबाद, गंभीर रोग का सामना करना पड़ता है। उसके शरीर में गंभीर रोग, भयंकर
असाध्य बीमारी पैदा हो जाती है। चित्तक्षयम, चित्तक्षयम पम चित्त विक्षेप, वह या तो आधा पागल रह हो जाता है या पूरा का पूरा पागल हो जाता है। राजतो उपसग्गम, राजा से शासन से उसे खतरा होता है, दंड मिलता है, राजा द्वारा पकड़कर जेल में कारावास में बंद कर दिया जाता है या अन्य प्रकार सजा हो जाती है। दारुणम अभक्खानम, उसे भीषण भयंकर निंदा का पात्र होना होता है, उसी पर ही भयंकर मिथ्या दोष लग जाते हैं। नादनम परिक्खयम, भाई बिरादर जाति बंधु का विनाश हो जाता है, कुल परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। भोगानाम पबुघरम अग्निपाव को डहती, उसके जो अपने माने गए भोग हैं उनका विनाश हो जाता है, या घर में आग लगने से उनके भोग पदार्थों का या घर का नाश हो जाता है, भोग पदार्थ जल जाते हैं या घर जल जाता है। दुपन्नो कायस्य भेदा निर्यम सोपपद्यति, और वह दुर्बुद्धि आदमी शरीर के छूटने पर नरक में जाकर पैदा होता है, महादुख भोगता है। इस प्रकार से तीन गाथाओं में उस आदमी की दुर्गति का वर्णन किया गया है जो निरपराध को पीड़ा देता है और निर्दोष पर मिथ्या दोषारोपण करता है। सीधी सी बात यह है, ऐसे आदमी को किसी न किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक दुख भोगना ही पड़ेगा, अपने किए हुए कर्मों का फल कहाँ जाएगा, अपने पर ही लौटेगा। न नग्गचर्या न जटा न पंका, नाना सका ठंडिल साई कावा, रजोच जल्लम उक्कुटिक कप्पधानम सोधेन्ति मच्चम अवितिन्न कंखम। न तो नंगा रहने से, न जटा बढ़ा लेने से, न शरीर में कीचड़ लपेट लेने से, और न भूखा रहने से, नंगी जमीन पर सोने से, न शरीर पर धूल लगाने से, और न ही उकड़ू बैठने से शुद्धि होती है। किसकी? जिस मनुष्य की आकांक्षाएं कामनाएं समाप्त नहीं हुई है। सीधी सी बात है कि जिस मनुष्य के मन में नाना भोगों की कामनाएं उमड़ घुमड़ रही है, जिसका मन रात दिन भोगों का चिंतन कर रहा है, भोगों में डूबा हुआ है, उसके मन की शुद्धि न तो नंगा रहने से होगी, न जटा बढ़ाने से होगी, न कीचड़ लपेटने से होगा, न तो अनशन करने से, भूखा रहने से होगा, न नंगी जमीन पर सोने से, धूल
शरीर पर लगाने से और उकड़ू बैठ करके तपस्या करने से होगी। मन की शुद्धि चाहिए तो इच्छा और कामनाओं का त्याग कर निष्काम निर्ग्रंथ हो जाए। बस नंगा रहना, भूखा रहना, कीचड़ लपेट लेना, जटा बढ़ा लेना, नंगी जमीन पर सो लेना, उकड़ू बैठकर तपस्या करना, ये सब काया कष्ट है, दिखावा है। और इन सब के पीछे लोकाशना रहती है, लोक प्रसिद्धि की कामना। नंगा है, भूखा रहता है, धूल लपेट लिया तो लोग कहते हैं भाई बड़े बाबा हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े त्यागी हैं। लेकिन ये सब करने से मन शुद्ध थोड़े होगा। मन शुद्ध करना है, आत्मशुद्धि आत्मशांति प्राप्त करना है तो सांसारिक कामना विषय तृष्णा का त्याग कर दें बस। फिर कामनाओं का त्याग कर दें, सहज अपना खान पान व्यवहार रखें। सहज व्यवहार तो रखना ही होगा, दिखावा करने से क्या फायदा। लेकिन साधना के नाम पर धर्म के क्षेत्र में अनेक ऐसे साधु महात्मा कहलाने वाले हैं जो दिखावा में पड़े रहते हैं। एक तो अनेक धर्मशास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी गई है, ऐसा करने से पाप कटेगा, ऐसा करने से पाप कटेगा, ऐसा करने से भगवान मिलेगा। और लोग समझते हैं कि शास्त्र तो देववाणी है, त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों की वाणी है, जरूर ऐसा होता होगा तब लिखा गया है, उस मोह में पड़ गए या लौकिक मान बड़ाई के मोह में पड़ गए। वर्षों वर्षों नंगे घूम रहे हैं, शरीर पर भस्म लपेटे हैं, धूल लपेटे हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, महीना महीना स्नान नहीं करते, लंबे लंबे उपवास करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी तंबाकू छूट नहीं पाता है, गांजा का दम चलता ही रहता है, तो कैसे आत्मशुद्धि होगी। आत्मशुद्धि के लिए केवल सांसारिक कामनाओं का त्याग, मन से सारे भोगों से एकदम उदास हो जाना, ये आवश्यक है। इसके विपरीत बात अगली गाथा में है। अलंकतो चेपि समम चर्रे चरे संतो दंतो नीतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडम सो ब्राह्मणो सो समनो स भिक्खु। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अलंकृत है, सुंदर कपड़ा पहनता, सुसभ्य वेशभूषा, साफ सुथरा कपड़ा रक्त पहनता है, लेकिन सममचरी समता से चलता है, समता का आचरण, समता भाव में जीता है, शांत दांत अपने मन इंद्रियों पर संयमी है, नियत ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी है, और जितने प्राणी हैं किसी को दंड देने की भावना नहीं रखता, सबसे दया करना प्रेम अहिंसा का व्यवहार रखता है, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु है।
नंगा रहने वाला भिक्षु नहीं है, सन्यासी नहीं है, जटा बढ़ा लेने वाला, शरीर पर कीचड़ लपेट लेने वाला, कई कई दिन तक भोजन न करने वाला, शरीर पर धूल लपेट लेने वाला, ये सब भिक्षु और सन्यासी और साधु नहीं है, क्योंकि उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हैं और कोई साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, शरीर को भी साफ सुथरा रखता है, सफाई शुद्धता पर बहुत ध्यान रखता है, भोजन समय आने पर भोजन कर लेता है, साफ जगह में रहता है, लेकिन समता का भाव है, समता भाव में जीता है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम, अनुकूलता आने पर हर्षित नहीं होता, प्रतिकूलता आने पर शोकित नहीं होता, सम्मान मिलने पर फूल नहीं जाता है, अपमान मिलने पर पचक नहीं जाता है, दोनों में शांत रहता है, समता, सब समय समता पूर्वक व्यवहार। इसके अलावा कहा गया शांत, शांत है, किसी ने कटु कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो भी शांत, उलझता नहीं है, और दान सुबह मन इंद्री वाला, दांत का अर्थ समझदार भी होता है और दांत का अर्थ अपने इंद्रियों पर संयम करने वाला भी होता है, तो जिधर अर्थ लगा लें। नियतो ब्रह्मचारी, नियत ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है, और किसी भी प्राणी के प्रति जिसके मन में द्वेष भाव नहीं है किंतु सबसे प्रेम दया करुणा अहिंसा का व्यवहार करता है, तब वह ब्राह्मण है, वह सन्यासी है और वही भिक्षु है। बाहरी वेश से कोई भिक्षु थोड़े होगा, सन्यासी थोड़े होगा, वेश तो वेश है, साधु का कपड़ा पहन लिए और किसी ने थोड़ी सी अंतभाती बात कह दी और दुखी हो गए, साधु का कपड़ा पहन लिए, मान लिए हम इतने दिन के साधु हैं, तो उससे क्या होता, कितने दिन के साधु हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वर्षों वर्षों बीत गए साधु मार्ग में आए, लेकिन मन में कामना वैसी है, मन में उद्वेग वैसे हैं, मन में अपमान का बोध वैसे ही होता है, तो साधुता कहाँ है। और कोई थोड़े दिन का ही साधु है, थोड़े दिन ही आया है, लेकिन संयम पूर्वक चलता है, किसी कोई कुछ कह देता है तो सुन करके शांत रह जाता है, वो है उलझता नहीं है, ललचाता नहीं है, तो वह साधु है। वर्षों बीत गए जिसे साधु मार्ग में आए लेकिन मन उछल रहा है, वैसे राग, वैसे कला, वैसे अपमान का बोध, थोड़े थोड़े में उलझ जाना, विवाद करना, उसकी अपेक्षा थोड़े दिन का ही साधक जो शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, सेवा साधना में लगा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छा है। यह अहंकार काम नहीं करेगा कि हम इतने दिन के साधु हैं, हमारा ऐसा साधु का कपड़ा पहन लिए, अब हम तो किसी को साफ सुथरा कपड़ा पहने देखें कह मान लिए, अरे ये तो रजोगुणी आदमी है। तो शरीर में धूल लपेट लिए, शरीर में कीचड़ लपेट लिए, शरीर गंदा रखे और मान लिए हम त्यागी हैं, तो सुअर को क्या कहोगे फिर, वो तो रात दिन कीचड़ ही में लिपटा रहता है, वो तो महातपस्वी होगा। अब कुत्ता को देखो, शरीर पर धूल पर शरीर पर लेटा रहता है, कितना बड़ा त्यागी है,
तो बाहरी है ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है। समता भाव में जीना जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ रखना, ये साधुता का लक्षण है। वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है और वही भिक्षु है, साधु है। हिरी निषेधो पुरुषो कोचि लोकस्मी में विज्जति यो निंदम अपबोधति असो भद्दो कसामीव। इस संसार में ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं जो लज्जा रखकर गलत काम करने से दूर रहते हैं। जैसे उत्तम घोड़ा थोड़ा भी चाबुक सहन नहीं कर सकता, वैसे सज्जन मनुष्य, सत्कर्मी मनुष्य थोड़ी भी निंदा सहन नहीं कर सकता। ऐसे सज्जन निंदा सहन कर लेते हैं, कोई इसकी निंदा करता है, बुराई करता है तो उलझता नहीं है, दुखी नहीं होता, क्रोध नहीं करता, शांत रहता, तभी तभी तो सज्जन भी है। और कोई किसी ने निंदा कर दिया, अपमान कर दिया और उलझ गए, क्रोधित हो गए और उल्टी सीधी बात करने लगे तो सज्जनता कहाँ रही फिर। यहाँ तो अर्थ यह है कि बुरे कर्म करने से लज्जा रखना, गलत काम न करना, यह अच्छे आदमी की पहचान है। वैसे गलत काम न करना यही तो आदमीयत है। गलत काम करने वाले को आदमी कैसे कहा जाए? लेकिन आदमी की प्रवृत्ति है गलत काम करने की तरफ, क्योंकि मन में भोगों की लालसा है। जो ये समझता है कि हम गलत काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, कैसी हमारी बदनामी होगी, हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, दुख। अब उसके साथ साथ लोक में हमारी कैसी निंदा होगी, कैसा अपमान होगा। जो लोग आज सेवा करते हैं, आदर देते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, यदि हम गलत काम किए तो वही लोग हमारी तरफ ताकेंगे नहीं, बात भी नहीं करेंगे, वही लोग अपमान करने वाले होंगे। ऐसी लज्जा रख करके गलत काम से बचे रहना, रहने वाले कितने लोग हैं। लोग सोचते हैं चलो जो होगा होगा, देखा जाएगा, जिसको जो कहना है सब कहता रहे। लोग गलत काम करने की परवाह ही नहीं करते। निंदा से बचे रहना, निंदा के डर से गलत काम करना, ये भी अच्छा है। वैसे गलत काम इसलिए नहीं करना है कि गलत काम करने से हमें दुख मिलेगा, अपने कल्याण के लिए गलत काम करने का, गलत काम का त्याग होना चाहिए। सत्कर्मों में सदाचार से चलें, फिर जिसको निंदा करना है निंदा करने दें, प्रशंसा करना है प्रशंसा करने दें। लेकिन कोई ऐसा आदमी है कि जो निंदा के डर से भी गलत काम से बचा है तो वो भी बढ़िया है। असो यथा भद्दो कसान विठो आतापिनो संवेगिनो भवात् श्रद्धाय शीलेन च वीर्येन च समाधिना धम्म विनियच्छयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिस्तता पहसत दुखमिदम अनप्पकम्।
जैसे उत्तम घोड़ा चाबुक लगने पर तेजी से दौड़ता हुआ मंजिल को पहुंच जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह आत्मग्लानि करके अपने दुखों से पीड़ित होकर, आत्मग्लानि करके संवेगवान होकर तेजी के साथ क्या करें, श्रद्धापूर्वक श्रद्धा शील वीर पराक्रम समाधि धर्मनिश्चय विद्या से संपन्न और आचरण से संपन्न होकर इस दुख संसार सागर को तेजी पूर्वक दौड़ते हुए पार हो जाए। ऐसा सागर बुद्ध कहते हैं, से अपने अपने साधकों को संबोधित करते हैं। तेज घोड़ा हो, एकदम उत्तम घोड़ा, उत्तम घोड़ा वैसे ही तेजी से दौड़ता है, और उसे चाबुक मारो तब और तेजी से दौड़ता है, और जब मालिक जहाँ जाना चाहता वहाँ पहुँचा देता है। उत्तम घोड़ा चाबुक सहना नहीं चाहता, वैसे ही तेज स्वभाव होता है वह, और चाबुक पड़े तब और तेजी से दौड़ता है। तो जैसे उत्तम घोड़ा चाबुक पड़ने पर तेजी से दौड़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐसा साधको उसी प्रकार तुम भी आतापीनो, आतापीन आत्मपीड़ित, अपने दुखों से पीड़ित होकर मन में तमाम प्रकार की कामनाएं, उद्वेग, वासनाएं, उनके भयंकरता को समझ कर, क्योंकि जो मन में कामना वासना होती उसी से दुख होता है, मन एकदम व्याकुल चंचल, तो अपने दुखों से पीड़ित होकर सोच करके इतने दिन हो गए संसार में डूबे डूबे, भोगों को भोगते भोगते क्या मिला, केवल अपने आप को खोया, स्वस्थता मिट गई, परवश हो गया, अनेक लोगों की गुलामी लेनी पड़ती है, अनेक लोगों की व्यवस्था सहन करनी पड़ती है, दुख अपमान सहन करना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा सा संसार का भोग सुख मिलता है, वो भी अंत में छूट जाने वाला, तृष्णा बढ़ाने वाला, भव बंधन बढ़ाने वाला, संसार सागर में भटकाने वाला, आवरण चक्र में भटकाने वाला, इस भोग का परिणाम तो यही है, क्या मिला मुझे आज तक। इस प्रकार सोच कर और फिर इन दुखों से बचने के लिए, पूर्ण कल्याण निर्वाण प्राप्ति के लिए जो डर जाता है, कैसे डरता है, श्रद्धा श्रद्धाए श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा रखता है, भोगों के त्याग और कल्याण की प्राप्ति के लिए श्रद्धा। यदि अपने कल्याण प्राप्ति के लिए त्याग, साधना, तपस्या, सत्संग, संयम के लिए श्रद्धा नहीं है तो थोड़े दिन चल करके शिथिल हो जाएगा। कुछ ऐसे साधक होते हैं सत्संग के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, देखा देखी सत्संग में आगे नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं सत्संग में जाकर क्या होगा, रोज रोज तो वही वही तो बात सुनने को मिलेगी, एक दिन सुन लिए काम हो गया, लेकिन रोज रोज मन में विषय विकार का चिंतन चल रहा है ये तो नहीं सोचते, अरे एक दिन विषय चिंतन कर लिए हो गया, रोज रोज विषय चिंतन करने की क्या जरूरत, एक दिन भोग को भोग लिए बस हो गया, रोज रोज उसी में डूबे रहने की क्या जरूरत, रोज रोज मन चंचल बना हुआ है तो एक दिन चंचल हो गया तो हो गया बस, मन रोज रोज चंचल करने की क्या जरूरत, ऐसा तो नहीं सोचता,
हाँ सत्संग सत्संग रोज रोज सत्संग करने के जाते भाई, एक दिन सुन लिए काम बन गया। जो दुनियादारी में डूबा हुआ आदमी है वह यदि ऐसा सोचता है तो उसका भी पतन है। और जो साधु मार्ग में ही आ गया है, साधु का वेद बना है, साधक कहलाता है, वो सोचता है कि रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत, क्यों सत्संग में जाएं, वो तो महा डूबा हुआ है। स्वयं पतन एकदम गहरी खाई में डूबा हुआ है और दूसरों को भी पतन करने वाला है, दूसरों को भी पतित करने वाला, दूसरों का भी कल्याण में बाधा पहुंचाने वाला है, हर प्रकार से वे तो डूबे हुए हैं। तो अपने कल्याण के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। कल्याण के लिए कल्याण ऐसे नहीं हो जाएगा, कल्याण के लिए तो फिर कुछ आवश्यक होना चाहिए, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, साधना, ध्यान, चिंतन, इनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो कल्याण कहाँ से मिल जाएगा? कोई रखा रखाया है कहीं पर, खरीद लोगे कहीं से? कल्याण के सहायक अंगों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आज नहीं तो कल वो कल्याण साधना के मार्ग से अलग हट ही जाएगा। भोगों के त्याग प्रति की प्रेम नहीं है, उधर से ग्लानि नहीं है भोगों के प्रति और त्याग प्रति श्रद्धा नहीं है, तो बाहर बाहर से, बाहर से योगी और अंदर से भोगी ऐसा बना रहेगा तो दुख से पार कैसे होगा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐ साधकों, तुम अपने मन के दुखों से, शरीर संसार के दुखों से पीड़ित तो होकर कल्याण के लिए श्रद्धावान बनो। और फिर करना क्या है? शीलेन च वीर्येन च समाधिना धम्म विनियच्छे च धर्म विनियच्छेन च, शील का, पवित्र आचरण का बर्ताव करो, पराक्रमी बनो, दृढ़ मनोबली, दृढ़ निश्चयी, समाधिमान बनो और धर्म में निश्चय वाला बनो। धर्म क्या है? अपने मन इंद्रियों पर संयम, आत्मशोधन और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, और विद्या और आचरण से संपन्न बनकर तब इस संसार सागर है इसे दौड़ करके पार हो सकोगे। ऐसे ही पार थोड़े होगा, अनादिकाल से भवसागर में हम डूबते हुए आए हैं और आज भी उनके संस्कार मन में है। हर जीव अपने मन के संस्कारों के कारण से पीड़ित है, लेकिन पीड़ा भोगते हुए भी, दुख पर दुख पाते हुए भी कितने लोगों के मन में यह भाव जगता है कि मैं अपने आप को सारे भोगों से, सारे दुखों से छुड़ा लूं। वह तो आदमी बार बार दुख भोगता है और दुख भोगते हुए भी वैसे ही काम करता है, वैसे ही आचरण रखता है जिससे दुख की ही वृद्धि हो। दुख से छूटने की भावना बहुत कम लोगों में होती है, और भावना हुई भी तो भावना स्थिर नहीं रहती है। किसी कारण से मन में उद्रेक हुआ, अब भावना जगी, धीरे धीरे भावना ठंडी हो गई क्योंकि गलत वातावरण का त्याग नहीं किया गया, कुसंग का त्याग नहीं किया गया, अपने मन इंद्रियों से सावधानी नहीं रखी गई, और जिससे कल्याण में प्रेरणा मिले, कल्याण में सहायक हो, वो सत्संग, स्वाध्याय, साधना में प्रेम नहीं है, शील का व्यवहार नहीं, धर्म में निश्चय नहीं, पराक्रम नहीं है, दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है कि मुझे चाहे जैसा हो, चाहे जैसी कठिनाई आए, चाहे जैसी विपत्ति आए, इसी जीवन में अपना पूरा कल्याण करना है, अपने आप को दुखों से
पूर्ण मुक्त रखना है। जब तक यह भाव निश्चय नहीं होगा तब तक कल्याण मार्ग में एक रस चलना कठिन होगा। और जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है वह सारी विपत्ति और कठिनाइयों को सहन करते हुए आगे बढ़ जाता है। यहां तो कहा गया कि जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा चाबुक सहन नहीं करता, चाबुक पड़ते ही वह तेजी से दौड़ते हुए मंजिल से पहुंच मंजिल पर पहुंच जाता है, तथागत बुद्ध कहते हैं इस प्रकार है भिक्षुओं, तुम भी आत्म पीड़ित होकर अपने दुखों से पीड़ित होकर भवबंधन से पीड़ित होकर श्रद्धा शील समाधि धर्म निश्चय विद्या और आचरण से संपन्न होकर तेजी पूर्वक दौड़ते हुए इस भवसागर से पार हो जाओ। उदकम ही नयंति नैतिका, उत्कारा नमयंति तेजनम, दारुम नमयंति तच्छका, अत्तानम दमयंति सुब्बता। खेत सींचने वाला नाली से पानी को ले जाता है, बांध बनाने वाला बांध को सीधा कर लेता है, बढ़ई छील रन करके लकड़ी को सीधा कर लेता है, सुंदर रूप दे देता है। और जो सुब्रत वाला आदमी है, जिसके व्रत सुंदर है, जो है सदाचारी और आत्मसंयमी आदमी है, वह अपने आप को ठीक कर लेता है। पीछे भी ये गाथा आई है अष्टमी गाथा में। तो बाकी तो तीन उदाहरण है ही, सीधी सी बात है कि जिसे खेत सींचना है नाली बना करके वह पानी को अपने खेत तक ले जाता है, नाली ना बनाए तो पानी यहाँ वहाँ बह जाएगा, उसकी मेहनत बेकार जाएगी। नाली बना दिए अब पानी ले जाने में सुविधा हो गई। बांध बनाने वाला बांध को सीधा बनाता है तभी बांध काम आता है, बढ़ई लकड़ी को छील रन करके लकड़ी को सीधी कर लेता है, फिर उसे अनेक प्रकार के फर्नीचर बना लेता है, सुंदर सुंदर रूप दे लेता है। लेकिन जो सुब्रत है, सुंदर व्रत वाला, सुंदर आचरण वाला और अत्तानम दमयन, वह क्या करता है, आत्मदमन करता है, अपने आप को स्वस्थ करता है, आत्मसंयम करके अपने आप को ठीक कर लेता है। बाहर का भौतिक क्षेत्र में तो एक से एक सुंदर काम करने वाले लोग हैं, आश्चर्यजनक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अपने जीवन को सुंदर बनाने वाले कितने लोग हैं। जीवन सुंदर कैसे बनाना होगा, आत्मदमन से। आत्मदमन का अर्थ है आत्मस्वस्थता, अपने आप को परमार्जित करना। तो जिसका व्रत अच्छा है, जो सदाचार में दृढ़ है, अपने पूरे जीवन को ठीक कर लेगा। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, सदाचार में निष्ठा नहीं होगी, तब तक कोई आत्मसंयमी कैसे बनेगा। और आत्मसंयमी बने बिना जीवन कभी किसी का ठीक हो नहीं सकता। जरा वग्गो, ग्यारहवां वग्ग है जरा वग्गो। कोनु हासो किमानंदो निच्चम पज्जलते सति, अंधकारेन वो नद्धा प्रदीपम न गवेशत। जहाँ नित काल की आग प्रज्वलित हो रही है वहाँ हंसी कैसी, आनंद कैसा। तुम अंधकार से ढके हुए हो फिर दीपक की खोज क्यों नहीं करते। नित्यम पद जलते सति, नित काल की आग प्रज्वलित हो रही है या प्रज्वलित है, रोज
मतलब काल की आग सदैव जल रही है और प्राणी उसमें भुन रहे हैं, जल रहे हैं। दहकती आग है कहीं पर, दो डालो सब उसमें थोड़े देर में भस्म 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 हो जाए। ऐसे पूरे संसार में काल की आग धधक रही, मरघट की ज्वाला। श्री मंगल सिंह सुमन उज्जैन में हुए हैं, एक अच्छे कवि। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, धधक रही मरघट की ज्वाला। मरघट की ज्वाला कभी शांत नहीं होती, हर समय मरघट की ज्वाला जलती है। रसूलाबाद में नहीं जलेगी तो मणिकर्णिका घाट में जलेगी, वहाँ नहीं जलेगी तो कहीं और जलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो जल ही रही है। मरघट में चीता कभी शांत नहीं होती, चौबीसों घंटे बराबर जलती रहती है। और हमें भी वहीं जाना है, इस शरीर का अंतिम मुकाम वही है। आज नहीं तो कल वहीं पहुंचना है। जितने लोग जन्म लेकर आए संसार में सब वहीं पहुंचे हैं, जो आज हैं सबको वहीं पहुंचना है, आगे जन्म लेंगे उनको भी वहीं पहुंचना है, कोई उसे बचा नहीं है। तो रोज नित्य काल की ज्वाला जहां जल रही है, वहां पर हंसी कैसी, आनंद कैसा, किस बात में पर आनंद मार रहे हो। ये जो आनंद है, यही आनंद भयंकर क्लेश में फंसाएगा। ये जो हंसी है, यही रुलाएगी। धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, माने गए भोग मिल गए, बड़ा आनंद, लेकिन इसके पीछे कितना दुख ये पता नहीं है। कसाई बकरे के सामने हरी हरी घास डाल देता है, बकरा है बड़ा मगन हो गया, बड़ा आनंदित, अब बड़ी अच्छी घास खाने की मिल रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अच्छी घास तो अभी खाने की मिल रही है, बस जरा सा देर में कसाई मुझे काट डालेगा। हम लोग भी संसार के भोग रूपी हरी हरी घास में भूले हुए हैं, ये पता नहीं चल रहे हैं कि तेज हथियार लेकर काल रूपी कसाई तैयार है हमारी गर्दन को काटने के लिए, और हम भोगों में आनंद मार रहे हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं, दूसरे में गलती देखते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उधर ध्यान ही नहीं है, काल सामने खड़ा हुआ है उसका ख्याल ही नहीं है। तो जहां नित्य काल की आग प्रज्वलित है और जिसमें आजकल में हमें वहां जल जाना है, वहां हंसी कैसे है, आनंद कैसा, किस बात को लेकर के आनंद मना रहे हो। अंधकारेन ओ नद्धा प्रदीपम न गवेश्यत, तो अंधकार से ढके हुए हो, अंदर घोर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, अपने पराए हानि लाभ बंध मोक्ष की जरा भी सूझ नहीं है। और मान रहे हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता हैं, प्रदीपम न गवेषयत, तथागत बुद्ध कहते हैं तुम दीपक की खोज क्यों नहीं करते। दीपक ज्ञान का दीपक, सबसे सब समय सरल बने रहना, निष्काम रहना, अपने अहंकार को मार लेना, वास्तविकता को देखते रहना, शरीर संसार संसार के भोगों की क्षणभंगुरता दुखरूपता का ख्याल सब समय मन में बने रहना, यही दीपक का जलना है। लेकिन जानते बहुत हैं और मन भोगों में डूबा हुआ है, तो वो जानकारी किस काम की। इसलिए संसार के किसी भी भोग में उलझे ना, निष्काम होकर, निर्माण होकर और निर्मोह होकर जीवन का व्यवहार करें, अपने कल्याण का काम करें। कहीं भी जरा सी असावधानी होगी,
बस काल की आग में जलना होगा और फिर भटकना होगा।